गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पुआ का नटखट लड्डू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ भी लड्डू जो बहुत अच्छा है। लड्डू तो अपने पहाड़ में है, एकदम मस्त बोलता है पुआ, मैं आ जाऊँ। मैं बस में बैठ के आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं आज कितनी बारिश हो रही है, एकदम से रेनी डे बन गया है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कल रात से ही ये बारिश लगातार हो रही है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और बहुत अच्छा मौसम हो गया, एकदम से कूल मौसम हो गया, बहुत अच्छा। और आप देख सकते हैं वो सेमी की बेल हमारे नींबू में लग चुकी है, बिल्कुल ऊपर चढ़ चुकी है और करौंदे में। और आप देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, एकदम से मस्त वेदर हो रहा है। वरना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मुझे तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बारिश कितना प्यारा लग रहा है मौसम। आज तो मज़ा ही आ गया मौसम। और मेरा एक पार्सल आने वाला है, मैंने जोजो के लिए कुछ मंगाया है गिफ्ट देने के लिए, उसके बर्थडे वाले दिन आ नहीं पाया वरना मैं उसको उसी दिन सरप्राइज़ दे देती, बट आज आने वाला है जोजो का पार्सल और मैं उसको बर्थडे में देने वाली हूँ गिफ्ट। उसके बर्थडे ही वाले दिन आ जाता बट कैंसिल हो गया था मेरा पार्सल, बट आज आने वाला है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जोजो के लिए कुछ देने वाली हूँ जो उसे बहुत पसंद आने वाला है। और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि क्या आने वाला। अभी तो मैं न्यूज़पेपर का वेट कर रही हूँ, बारिश हो रही है और पता चला न्यूज़पेपर आ गया और गीला हो गया, इसलिए मैं बाहर देख रही हूँ। और यहाँ देखिए जोजो अपना खेलने में लगा हुआ है, एकदम बहुत ही मस्ती कर रहा है। ये देखो चप्पल लेके भाग गया, इसकी शैतानियाँ देखिए, ये सारी चप्पल अंदर ले जाता है, बिल्कुल इसकी शैतानी। ये देखिए कितनी शैतानी कर रहा है ये हमारा जोजो है। और ये देखिए मेरे पैर को ही देख रहा है, ये पैर ये अटैक कर रहा है ये देखिए, इसलिए इसको मैं बांध के रखती हूँ। ये बहुत शैतानी करता है, इसलिए ये देखिए कैसा लेके आ रहा है चप्पल। जोजो स्लीपर रख दो, स्लीपर क्यों लेके आए हो, रख दो, आप क्यों काट रहे हो स्लीपर, चलो स्लीपर रख दो, क्यों काट रहे हो स्लीपर, बहुत स्लीपर काटने वाले बन गए हो, इतना स्लीपर काटते हो, स्लीपर क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे हो स्लीपर, चलो बाहर रख के आओ, चलो। लड्डू की दादी क्या कर रही हो, हल्दी छान रहे हैं, जो हमारी खेत की हल्दी है कल्ली पिसा के लाने के लिए का, इसे छान के डिब्बे में रख लेती हूँ। घर की हल्दी बहुत अच्छी होती है ना मम्मा, बहुत अच्छी होती, प्योर हल्दी है। देखिए गाइस ये बहुत कलर इसका देखिए कैसा आया, आप देख सकते हैं इसका कलर देखिए कितना डार्क है। और बाज़ार की आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसा लगता है कलर मिला दिया है, पिठिया वाला कलर होता है येल्लो सा, इसका कलर ही अलग है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका कलर आया है येल्लो, वो तो लाइट के कट्टे का कलर जैसा होता है। बाज़ार की हल्दी में मिलावट होती है और ये प्योर हल्दी देखिए, ये पिसा के लेके आए तो मम्मा ने कहा कि ये छान के रख लेते हैं हल्दी को, इस तरह ये निकल रहा है कूड़ा जैसा मोटा, क्योंकि चक्की में पिस नहीं पाता है ढंग से तो हल्का थोड़ा बहुत रह जाता है मोटा। तो फिर लड्डू की दादी ने सोचा चलो हम इसको छान के रख लेते हैं हल्दी को। तो अब लड्डू की दादी हल्दी को छान रही हैं, फिर उसको स्टोर करके रखेंगी और कल ही हल्दी पिसा के लेके आए। ये गाइस इस साल की हल्दी नहीं है ना, ये कब की हल्दी है, ये पिछले साल की हल्दी है, इस बार की हल्दी नहीं है गाइस। और इसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं डिब्बे में। ये 13 किलो हल्दी है गाइस, एक कट्टा में पिसा के लेके आए हैं 13 किलो हल्दी। और बाज़ार में कितनी महंगी हल्दी चल रही है आपको खुद पता होगा, अभी लेने जाएं 200 ग्राम का हल्दी का पैकेट मिलता है, 250 सॉरी, अगर 200 ग्राम का पैकेट लेने जाएं हम लोग तो मिनिमम 350 या 250 रुपए का मिलता है पैकेट। मार्केट में हल्दी बहुत महंगी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है और इसको बहुत मेहनत से लगाते हैं गाइस,
आप देख सकते हैं इसको किसने बांध दिया। तो इस तरह ये हल्दी पूरी छान दी गई है, अभी कट्टे में बची है, इसको टप में धीरे धीरे छान के रख रहे हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। जिस किसी को हल्दी चाहिए लड्डू की दादी से आप संपर्क कर सकते हैं और लड्डू की दादी से प्योर हल्दी खरीद सकते हैं आप, बहुत ही प्योर हल्दी है। देखिए गाइस, मम्मी ने हल्दी टपों में भर दी है। ये स्टॉक अपने लिए रखा है 15 लीटर का हल्दी और ये सब सेल करने के लिए रखे हैं। जिसे भी हल्दी चाहिए लड्डू की दादी से संपर्क करें और हल्दी प्योर हल्दी ले जाएं। हम लोग मार्केट जा रहे हैं दीदी और आज सामान भी ले आएंगे, आएंगे ना, इसलिए और भी जा रहा है मार्केट। बहुत अच्छा लग रहा है, शाम के ही टाइम जा रहा है, सुबह तो गर्मी होती है। देखिए गाइस कितनी प्यारी एग्जीबिशन लगी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वुडन का सामान आया, आप कुछ भी ले सकते हैं। पॉट्स हैं और ज्वेलरी बॉक्स भी रखे थे इसमें, सोफे वगैरह आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे आइटम आए हैं। आप देख सकते हैं मिरर कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, और वॉचेस कितनी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे आंटी लोग सामान ले रही हैं, बहुत प्यारा प्यारा आइटम आया है एग्जीबिशन में। और ये ख़ास तौर पे ये लकड़ी का झूला मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे इतना प्यारा लगा है। इसकी कॉस्ट 25,000 बता रहे हैं, 30,000 के। और भी ये बड़े छोटे का मीडियम साइज़ है, लार्ज इसके अकॉर्डिंग है। और ये मुझे चेयर बहुत प्यारी लगी है, ये देखिए गार्डन में भी डाल सकते हैं आप ये चेयर वगैरह, तो बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखिए चेयर भी मुझे बहुत प्यारी लगी, और सबसे ज़्यादा मुझे ये पॉट्स वगैरह बहुत प्यारे लगे। और यहाँ पे गमले स्टैंड देखिए कितनी प्यारी प्यारी साइकिल्स हैं, ये सब आप कॉर्नर ले सकते हैं, यहाँ पे गमले भी रख सकते हैं, सोपिस का सामान भी रख सकते हैं। ये कॉर्नर मुझे अच्छे लगे, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा आइटम आया है बुटन का पूरा एग्जीबिशन में, जो मुझे बहुत प्यारा लगा है।